और यहाँ पर हमारे अतिथिगण राजस्थान से आए हुए विधायक चेयरमैन, हमारी बहन टाटा से आई है, उनका हम तहे दिल से यहाँ तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। यहाँ मंच संचालन, यहाँ की निगम पार्षदा प्रेरणा सिंह, तरुण कुमार, अब्दुल वाहिद कुरैशी और हफीज साहब, सभी मंच पर उपस्थित सभी मेरे साथियों, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरे से पहले पूर्व वक्ताओं ने काफी विस्तार से यहां आपके सामने अपने विचार रखे। मैं आज ये कहना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा कि साथियों, पिछली बार आप लोगों ने आम आदमी के एमएलए सोमदत्त शर्मा को यहां से जिताकर भेजा था और आप लोगों की वोटों से ही वो जिता विजयी हुआ था। क्या आज उसने आपके क्षेत्र की कोई सुधली को काम किया, किसी के दुख सुख में शामिल हुआ? 1 अरब रुपया उसको बजट मिला, आपने कभी पूछा उससे या आपके पास कभी आकर उसने कहा कि मुझे बजट इतना मिला है, आप बताइए क्या इस बजट से आप क्या करवाना चाहते हैं? नहीं पूछा। आज तक उन्होंने कोई स्कूल बनवाया, हॉस्पिटल बनवाया, डिस्पेंसरी बनवाई? जो वादे उन्होंने किए थे कि हम 2 लाख बच्चों को रोजगार देंगे, कॉन्ट्रैक्ट पर डेली वेजर और एवेजदारों को हम पक्के करेंगे, नौकरी देंगे, एक भी वादा उन्होंने पूरा किया हो तो मुझे बताओ, मैं आपसे के सामने रूबरू खड़ा हूं। साथियों, इंद्रलोक की जनता ने कल साबित कर दिया कि जो एक जनसलाब कल यहां इन सड़कों पर उतरा था, उससे उन्होंने साबित कर दिया कि यहां पर झाड़ू की कोई जगह नहीं है। और साथियों, मैं एक चीज और भी कहना चाहता हूं, कोई मुकालते में ना रहे भाई, झाड़ू का उम्मीदवार 3रे नंबर पर जा लिया है, जमानत बचानी बड़ी मुश्किल है उसकी, ये भी आपको बता रहा हूं। मेरा भाई कोई भूल चूक करके वोट देना चाहता हो तो अपनी वोट खराब ना करे, कोई फायदा नहीं होगा भाई। आपसे विनती है कि एक मुश्त एक जगह आप वोट डालिए और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके बीच में रहकर हर दुख सुख में शामिल होऊंगा और जो भी विकास के काम है उनको पूरा करूंगा। साथियों, मैं एनआरसी के बारे में बताना चाहूंगा, क्यों आपका इतना हमदर्द होता तो जो रोज धरने प्रदर्शन 26 जनवरी को भी धरने पर बैठा था, क्या एनआरसी के खिलाफ एक बार भी उन्होंने आवाज उठाई? धरने प्रदर्शन तो दूसरी बात है, हाँ हम बताएंगे। सुभाष चोपड़ा के नेतृत्व में कनॉट प्लेस सर्कल के ऊपर धरना हुआ, विरोध प्रदर्शन हुआ और उसमें हम डिटेन किए गए और सुबह 4 बजे हमारे को छोड़ा गया, उसमें मैं भी था, तरुण कुमार भी था। साथियों, ये दोगली राजनीति नहीं चलेगी भाई, काट की आंडी एक बार चढ़ दिए वो उसकी चढ़ ली। क्या आज उन्होंने ये नहीं दिखता कि हमारी बहनें माताएं 2 महीने से सर्दी के अंदर बैठी हैं? क्या कभी आगे उन्होंने उनके बारे में ये पूछा कि आप क्यों बैठे हो, आपकी क्या समस्या है, आप मुझे बताओ, मैं आपका साथ दूंगा। साथियों, एक कांग्रेस पार्टी ऐसी थी जिसने संसद में भी लड़ाई लड़ी इसकी, इसका विरोध किया, लेकिन संसद में उनका बहुमत था, इन्होंने पास कर दिया। फिर राज्यसभा में भी कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया और मायावती
भाई सीबीआई के तोते से डरते हुए उनका सपोर्ट कर दिया, उनका समर्थन दिया। झाड़ू ने भी उनका समर्थन दिया और राज्यसभा से भी वो कानून पास हुआ। नीतीश कुमार ने भी उनका समर्थन किया। आज हम पूछना चाहते हैं कि नीतीश कुमार किस मुंह से बिहार के अंदर एनआरसी और इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? उन्होंने जो वोट दिया उस टाइम क्यों नहीं विरोध किया? अगर ये सारे मिलकर कांग्रेस के साथ आते तो ये काला कानून पास नहीं होता। साथियों, बड़े शर्म की बात है कि जो आज हमारे देश का होम मिनिस्टर है, गृह मंत्री, उसके ऊपर कत्ल का केस था और जिस जज ने उसके खिलाफ फैसला लिख दिया था, सुनाना बाकी था, उसकी निर्मम हत्या की गई। भाई कांग्रेस की सरकार आई तो उसकी सारी फाइलें दोबारा खोली जाएंगी और दूध का दूध पानी का पानी किया जाएगा। आज वो कहता है कि हम गुजरात मॉडल लाएंगे। अरे गुजरात मॉडल क्या लाओगे? गोधरा कांड आपने करवाया और उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात कही थी कि भाई इसको वहां का चीफ मिनिस्टर रहने का कोई हक नहीं है, इसने राजधर्म नहीं निभाया। लेकिन अडवाणी ने उसको नहीं हटने दिया और आज अडवाणी को ही उसने खड्डे में डालकर एक तरफ उठा रखा है। साथियों, ये दोनों जो अपने गुरुओं के नहीं हुए, अन्ना हजारे के आंदोलन से निकलकर ये राजनीति में आए थे और उसका जो चंदा इकट्ठा हुआ था उसका एक कैशियर था, वो सारे का सारा पैसा केजरीवाल खा गया और पार्टी बनाकर झाड़ू को मैदान में उतर गया। भाई लोगों को ये विश्वास था कि भाई ये ईमानदारी से काम करेगा। वो कहता था मैं बहुत ईमानदार हूं और ये बाकी सारे भ्रष्ट हैं, मैं इन सबको शीला को दोहना आते ही जेल में डाल दूंगा, मैं 400 पन्नों की फाइल बना रखी है, मैं सीएम बढ़ते ही शीला दीक्षित को जेल में डालूंगा। भाई क्या किया उसने? शीला दीक्षित को क्यों नहीं जेल में डाला? जब वो भ्रष्टाचार किया था तो आज वो सब वादे भूल चुका है। आज कांग्रेस पार्टी शीला दीक्षित के कदमों पर दोबारा चल रही है। उसने जो विकास किया था उस विकास की आंधी को दोबारा लाना चाहती है दिल्ली के अंदर। साथियों, आप 8 तारीख को, आने वाली 8 तारीख को कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट डालें और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को विजयी बनाएं। ये 2 दिन का जो जनसमूह है वो बता रहा है कि कल जो जनसमूह यहां आपकी गलियों में आदमी के शरीर से नजर आते थे, चलने को भी जगह नहीं मिलती थी, और आज इस पब्लिक मीटिंग के अंदर भी वो इंसलाब है। इससे साफ है कि भाई कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत तो निश्चित है, लेकिन मजा जब आएगा भाई जब उसकी जमानत जब्त कराओ और उनको ये पता लगे कि वादे करके जो आप कुर्सी पर आए थे तो वादा नहीं निभाया, तो जनता ने आपको वहीं भेज दिया जहां से आप आए थे। साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हैं, मुझे एक मीटिंग में और जाना है। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप 3-4 घंटे से यहां बैठे हैं, अपने कीमती समय को ले करके आए हुए हमारे साथ, और जो मेहमान है वक्ता हैं वो भी अपने विचार रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। भाई सतीश शर्मा, भाई सतीश शर्मा, हमारा विधायक कैसा हो? मैं सभी साथियों से आग्रह करती हूं कि कृपया अपनी जगह पर बैठे रहे। कुछ ही मिनटों में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री, युवा दिलों की धड़कन सचिन पायलट जी आपके बीच में आएंगे और आपके सामने अपने विचार रखेंगे। ये हमारे इंदौर लोक का सौभाग्य है कि सचिन पायलट जी ने यहाँ आने के लिए अपना समय निकाला। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि कृपया अपने अपने स्थान पर बैठे रहें।